नमस्कार। आज मैं संगीत के खजाने से सुप्रसिद्ध संगीतकार जतिन ललित जी के बारे में बता रहा हूं। जतिन ललित जी एक ऐसा नाम है फिल्म संगीत जगत में कि 20 वर्षों तक इन्होंने राज किया और एक से एक हिट फिल्म। जतिन ललित फिल्म संगीत में बहुत बड़ा ब्रांड रहा 20 साल तक। जतिन ललित की इस समय पांचवी पीढ़ी है। ये मेवाती घराने से हैं। इनके परदादा, दादा, इनके पिताजी, चाचा जी पंडित जसराज जी बहुत ही संगीत में बड़ा नाम है और इनकी जो दो बहनें हैं दोनों सुप्रसिद्ध अभिनेत्रियां सुलक्षणा पंडित और विजेता पंडित। इन दोनों ने भी कई फिल्मों हिट दिए हैं और अभिनय के साथ साथ इन्होंने कई फिल्मों में गाना भी गाया है, वो भी काफी हिट रहे हैं। अब इनके बच्चे दोनों के वो भी फिल्मों में म्यूजिशियन भी हैं और गाने गा रहे हैं, उनके एल्बम भी आ रहे हैं। तो जतिन ललित ने जो 20 साल तक एक तरफा राज किया और एक से हिट फिल्में दी हैं और मराठा मंदिर में उनकी दिलवाले दुल्हनिया आज भी चल रही है, 20 वर्षों से आज भी चल रही है। लोग फिल्म देखने तो जाते ही हैं लेकिन गाने देखने भी जाते हैं। तो वही कारण है कि इस घराने से ये आए हैं और बड़े परिपक्व है संगीत के मामले में। अब आते हैं इनकी जो दिल वाले दुल्हनिया, इनको यश चोपड़ा जी ने ऑफर की। जब सब कुछ फाइनल हो गया उसके बाद यश जी ने लता जी को फोन करके कहा कि कल आपका एक सोलो गाना है। तो लता जी ने फोन पर ही पूछा कि म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। यश जी ने कहा दो लड़के हैं जतिन ललित, तो उन्होंने कहा मुझे बात कराई है। जतिन ललित जी ने लता जी से बातचीत की और उनको साउंड के साथ ही ये गाना सुनाया। दीदी को बहुत अच्छा लगा, दिलवाले दुल्हनिया का गाना बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने यश जी से कहा बहुत अच्छे संगीतकार हैं और अच्छा होगा करते हैं। इस तरह से वो गाना दिलवाले दुल्हनिया बना और पूरी दुनिया में हिट हुआ वो गाना। अब आज के दौर में जतिन ललित जी, दोनों में से ललित जी उज्जैन और इंदौर आए थे। ललित जी ने यह कहा कि जो संगीत है, जो म्यूजिक कंपनियां हैं, ये इनका जो दखलंदाजी है, ये कई बार संगीत को उतना जितना हिट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है इनके दखल से। और आज जो नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं युवा पीढ़ी के, वो क्या या तो अंग्रेजी फिल्में देखते हैं और फिल्म बनाते हैं या फिर उनका हिंदी में रिमेक करके फिल्म बनाते हैं। तो इनको है ना, देश की जो मिट्टी की खुशबू है उसकी समझ नहीं हो पाती है। इन्हें नहीं मालूम कि गांव की आटा की चक्की और सरसों का खेत कैसे होते हैं। इसीलिए जब गानों की सिचुएशन होती है तो ये वहां अपने आप को सही साबित नहीं होते हैं और इसीलिए इनको संगीत की जो समझ जिस तरह की होना चाहिए निर्देशक के रूप में वो भी नहीं हो पाती, इसलिए कई बार गाने ठीक नहीं बन पाते हैं। और आज के दौर में वो जो पहले गीतकार थे अब वो गीतकार नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। और रही बात टेक्नोलॉजी की, तो वही बात है कीबोर्ड और कंप्यूटर पर गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं। अरे जब आप जीता जागता म्यूजिशियन साज बजाता है तो म्यूजिक में जिंदगी होती है और एक मशीन तो एक तरह का ही संगीत देगी ना। जब भी कभी अच्छे गाने बनते हैं तो अच्छे शब्द और अच्छी कंपोजिशन, जब दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा तो ही गाना हिट होता है। और यही दिलवाले दुल्हनिया के साथ या हमारी जितनी भी फिल्मों के गाने उनके साथ हुआ है। अच्छे शब्द भी थे, अच्छी कंपोजिशन भी थी, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी था। दिलवाले दुल्हनिया देखिए, न्यूयॉर्क में मैडोना ने एक नाइट क्लब ब्लू में खूब नाची उस गाने पर, खूब नाची वो, तो वो इंटरनेशनली गाना मुन्नी बदनाम हुई, इतना हिट था वो गाना। उसके बाद आप देखते हैं तो हमारी फिल्मों में प्यार किया तो क्या डर, प्यार किया तो डरना क्या, सलमान खान हम चाहते थे कि वो उसकी पंच लाइन गाएं, तो उनको एक पंच लाइन हमने दी, उसकी ट्यून इतनी पसंद आई और वो गाना भी हिट हुआ।
और उसके बाद हमने आमिर खान से भी गाना गवाया, चलती है क्या खंडाला। इस तरह से फिल्म स्टारों को भी हमने गाने गवाए, वो भी हिट रहे हैं। और अब हमारे कार्यक्रमों में जो प्रस्तुतियां दी थी, मुंबई से आए थे कलाकार ऐश्वर्या निगम जिसने मुन्नी बदनाम हुई गाना गाया था, और प्रियाणी वानी कई फिल्मों में आ चुकी हैं, और अमंत्र का वो भी कई फिल्मों में गाने गा चुके हैं, और जतिन ललित जी ने भी खूब गाने गाए थे, वो मैंने आज सुबह फेसबुक पे डाले फोटो, और हास्य कलाकार उदय दहिया ने भी अपनी प्रस्तुति दी। इस तरह से बहुत ही हिट रहा है वो कार्यक्रम। कल मैं आपको सुप्रसिद्ध संगीतकार आनंद मिलिंद जी के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।